आपको, मेरा नाम फातिमा सुल्ताना है। मेरी बेटी गुलरेज बासित है जो 17 साल की है। 6 महीने से बीमार है उन्हों। पहले उनको जाफरिया हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ पे टेस्ट वगैरह करने के बाद में ये मालूम हुआ कि उनको निमोनिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया और खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। तो वहाँ पे हम लोग ब्लड चढ़ाए उनको, तो तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई थी उनकी। फिर उसके बाद अभी 5 महीने पहले, अभी सॉरी, कुछ दिन पहले प्रीमियर हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे थे, जहाँ पे और मजीद टेस्ट वगैरह करे। वहाँ पे और ज्यादा तबीयत खराब थी उनकी, जिसकी वजह से उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। 2 दिन तक उन्होंने वेंटिलेटर पे थे, उसके बाद हाई ऑक्सीजन मास्क पे थे। तो वहाँ पे भी हम लोगों को करीब, हम लोगों को 7.5 लाख के करीब हम लोगों को खर्चा आया। वहाँ पे मजीद टेस्ट वगैरह कराने के बाद ये मालूम हुआ कि उनको लंग्स में ब्लीडिंग हो रही, जिसकी वजह से उनको प्लाज्मा फेरेसिस कराना पड़ा है। तो वहाँ पे वो लोग बोले कि अपोलो यशोदा ऐसे हॉस्पिटल्स में लेके जाने के लिए बोले, जहाँ पे एक प्लाज्मा फेरेसिस का एक सेशन करने पे 1 लाख से 1.25 लाख तक हम लोग को खर्चा आ रहा था, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब तो हम लोग दूसरे हॉस्पिटल्स में मालूम करे तो अवेसी हॉस्पिटल में मालूम हुआ कि 65,000 में हो रहा, जिसके हम लोग 3 सेशंस करवा चुके हैं। अब हम लोग के पास जहाँ जहाँ से हम लोग कर्जा ले सकते थे वहाँ से लेकर सब उनका सेशंस वगैरह कराए, लेकिन अब 4th सेशन के लिए हम लोग के पास नहीं है, मतलब हम लोग के पास पैसे नहीं हैं। तो हम लोग अमजदुल्ला खान साहब के पास मदद के लिए आए हुए हैं। आप लोगों से जो भी मदद हो सकती है हम लोगों के लिए, मासूम बच्ची के लिए जो भी मदद हो सकती है, आप लोग प्लीज करिए। हम लोग बहुत शुक्रगुजार रहेंगे आपके। ये मेरे हस्बैंड का नंबर है 9704124194। इसमें नाम फातिमा सुल्ताना आएगा। जजाकल्लाह खैर।